रेणुका, तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए 2 किलो मटन बिरयानी ये रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मगर उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटन को मैरिनेट करना है। तो यहाँ मैंने 1/4 किलो मटन लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालनी है, फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डालनी है, फिर हमें इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर हमें इसमें 2 चम्मच मटन बिरयानी मसाला डालना है, फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, फिर हमें इसमें 4 चम्मच दही डालना है, फिर हमें इसमें हरी चटनी डालनी है। तो मैंने यहाँ 4 हरी मिर्च, 1 कप कटी हुई धनिया, 1 कप पुदीना के पत्ते डाल के इसकी चटनी बनाई है। फिर हमें इसमें ये डाल देनी है। फिर हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ 6 दालचीनी लिए हैं। फिर हमें इसमें 6 लौंग डालने हैं, फिर उसके बाद हमें इसमें 10 काली मिर्च डालनी है, फिर हमें इसमें 3 इलायची डालनी है। फिर हमें इन सारे इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और इसे हमें आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। तो तब तक हम बिरयानी का यहाँ भात बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक बर्तन रख दिया है। फिर हमें इसमें 2 बड़े बाउल पानी डालना है। तो यहाँ मैंने बर्तन में 2 बड़े बाउल पानी डाल दिया है। फिर उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच तेल डालना है, फिर हमें इसमें 4 इलायची डालनी है, फिर हमें इसमें 4 तेज़पत्ता डालने हैं, फिर हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है, फिर हमें इसमें 4 चम्मच नींबू का रस डालना है, फिर हमें इसमें 4 दालचीनी डालने हैं, फिर हमें इसमें 10 काली मिर्च डालनी है और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो अभी हमें इस पानी को अच्छे से उबालने देना है। तो मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख देती हूँ। तो अभी ये पानी अच्छी तरह से उबलना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसमें चावल डालने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 2 किलो दिल्ली राइस को 15 मिनट तक पानी में भिगो के रखा था, तो वो सारे इसमें डाल देने हैं और अभी हमें इसका भात बना लेना है। तो अभी मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख देती हूँ। तो अभी हमें इस भात को बीच बीच में चेक करते रहना है। तो ये देखिए, अभी ये भात का पानी उबलना शुरू हो गया है। तो इस भात में और थोड़ा पानी है। तो अभी मैं गैस को एकदम बारीक करके इस भात को रख देती हूँ ताकि खुला खुला बने। तो ये देखिए, अभी हमारे यहाँ बिरयानी का भात बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मटन भी मैरिनेट हो चुका है। तो अभी हम मटन को पकाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ एक बड़ा बर्तन रख दिया है। फिर हमें इसमें 10 चम्मच तेल डालना है, फिर हमें इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालना है और इसमें हमें 1 गिलास पानी डाल के इसे पकाना है। तो अभी हमें इसे बीच बीच में इसे चेक करते रहना है कि मटन पका है या नहीं। तो अभी ये मटन पक चुका है। तो अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ मटन को निकाल दिया है। फिर हमें इसमें पका हुआ भात डालना है। तो ये देखिए, आपको 1 लेयर इसमें ऐसे भात डालना है। फिर मैंने यहाँ 1 वाटी दूध में पीला कलर मिला के उसका पेस्ट बनाया है, तो वो उसके ऊपर डाल देना है। फिर मैंने यहाँ 4 प्याज को बड़े साइज़ में कट करके उन्हें तेल में ब्राउन होने तक फ्राई किया है, फिर वो इसके ऊपर डाल देने हैं। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर पुदीना के पत्ते डालने हैं, फिर हमें इसके ऊपर बारीक कट की हुई हरी धनिया डालनी है, फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर पका हुआ मटन और उसकी ग्रेवी डाल देनी है। तो अभी मैंने इसके ऊपर मटन डाल दिया है। फिर हमें इसके ऊपर फिर से भात का 1 लेयर लगाना है। तो अभी मैंने यहाँ भात का 1 लेयर लगा दिया है। फिर से हमें इसके ऊपर पीला रंग और दूध का पेस्ट डालना है, फिर से इसके ऊपर हमें फ्राई किए हुए प्याज डालने हैं, फिर हमें इसके ऊपर पुदीना के पत्ते डालने हैं, फिर से हमें इसके ऊपर बारीक कट किए हुए हरी धनिया डालने हैं और इसके ऊपर हमें प्लेट रख के इसे 5 मिनट तक ऐसे ही स्टीम करना है। तो आप ऐसे ही आसानी से घर में 2 किलो मटन बिरयानी बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो फिर से मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तो थैंक्स फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।